कपिल मिश्रा जी, आज भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आपने ऑटो टैक्सी और टेम्पो यूनियंस के लोगों से बातचीत करी, क्या लगता है सुनने के बाद कि ये समस्याओं का समाधान है या नहीं? बिल्कुल समाधान है और समाधान निश्चित होगा। राजेंद्र सोनी जी ने मेरे को बुलाया, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और दिल्ली में ऑटो टैक्सी वाले ये वो लोग हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी काम करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की इस सरकार को बनाया था। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो दिल्ली के ऑटो टैक्सी चलाने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोगों की थी। आज जो निराशा उनको हाथ लगी है, जिस प्रकार से छलावा और धोखा उनके साथ किया गया है, वो भी सबको सामने से दिख रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिसमें नगर निगम को भी कुछ निर्णय लेने हैं, रेलवे के भी जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत गंभीरता से आज चर्चा हुई है और सब लोग मिलकर इन मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काम करेंगे तो आने वाले कुछ ही महीनों में इनमें से कुछ मुद्दों का समाधान तो जरूर हो जाएगा। जब समस्याओं का समाधान है तो आप उन दोनों पार्टियों से संबंधित रहे हैं जो अभी वर्तमान में हैं, या जो आप कह सकते हैं कि जो स्थितियाँ चलनी आने वाले समय में हो, क्यों नहीं हो पाया? कारण क्या, गंभीरता नहीं ली इन लोगों को, क्या कारण लगता है? देखिए, ये तो अब जिसकी जिम्मेदारी थी उसने काम क्यों नहीं किया है, खासकर दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमने देखा बार बार मंत्री भी बदले गए और किस प्रकार के वादे किए गए थे और किस प्रकार की सरकार चली है उसके बीच का जो अंतर है वो केवल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ही अंतर नहीं है, वो पूरी दिल्ली के लोगों के ऊपर भी उसका असर है। तो झूठे वादों के सहारे एक सरकार दिल्ली के अंदर बनी थी और उसकी कीमत हम सब ने चुकाई है। जहाँ तक MCD से जुड़े हुए मुद्दे की बात है या रेलवे से जुड़े हुए मुद्दे की बात है, मेरे को लगता है कि हम लोग सब मिलकर जाएंगे तो जरूर इन मुद्दों का समाधान निकल जाएगा। आने वाले अभी फिलहाल केजरीवाल सरकार जो है बहुत मुफ्त वाली प्लानिंग चल रही है, महिलाओं को मुफ्त टिकट, मेट्रो की बात थी वो फिलहाल फंस गई है, अब 1 तारीख से GPS और डीम्स का वो भी फ्री कर रहे हैं, आधे दाम कर रहे हैं। क्या लगता है कि इससे सरकार रिपीट होगी या ये भी जो वादा है ये जो पुराने वादे रहे उनकी तरह बस एक छलावा बन के रह जाए? देखिए, ये सारी चीज़ें अगर इतनी अच्छी थी तो 5 साल से क्यों नहीं की गई? अगर आपको डिम्स का रेट नहीं लेना था, उसमें आपको सब्सिडी देनी थी तो पहले देनी चाहिए थी। GPS क्यों इतने टाइम तक आपने जो पैसा लिया इसका मतलब वो गलत लिया, तो वो क्यों नहीं आप लौटाएंगे? जिन लोगों ने दिया है क्या वो गलत थे क्या? तो मेरे को ये लगता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, जैसे GPS का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो GPS केंद्र सरकार ने कह दिया था कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है लगाने की, दिल्ली सरकार चाहती तो ये लगती ही नहीं, पहले तो आपने ज़बरदस्ती लगाया, उसके बाद उसका रेट बढ़ाया, अब आप कह रहे हो कि हम उसकी सब्सिडी दे देंगे, यानी कंपनी को तो आप अभी भी पैसा देते रहोगे। तो ये कौन सा खेल चल रहा है जिसमें कंपनी पैसा, किसकी जेब से पैसा जा रहा है? क्या केजरीवाल जी की जेब से? तब भी ये डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट की पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं सीधे नहीं तो उल्टे तरीके से आपसे ही लिया जा रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत समझदार हैं दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवर और उनको सब कुछ समझ में आता है, उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि वो मूर्ख बना लेंगे। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ये जब नगर निगम में भी हार गए, लोकसभा में भी हार गए, आज जब कार्यकर्ता भी नहीं है और उम्मीदवार भी नहीं है चुनाव लड़ने वाले, तो वो सोच रहे हैं कि दिल्ली का पूरा खजाना लुटा दे। GPS को हटा ही दो ना, कंपनी को अगर आप अब भी पैसा दे रहे हो तो आप तो ये लुटवा रहे हो दिल्ली के खजाने को। आखिरी सवाल कि अब जो है जो भी आज समस्याएं आई इनके समाधान के लिए कपिल मिश्रा का अगला सहयोग किस प्रकार हो? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने आपस में विचार करके यही निर्णय लिया है कि हम लोग मिलकर जाएंगे और नगर निगम से जुड़े हुए लोग और रेलवे से जुड़े हुए लोग उनसे जाकर मिलेंगे और उनको अपनी बात बताएंगे और हमें क्या रिजल्ट चाहिए ये भी उन तक पहुंचाएंगे। और ये पहला कदम है, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो संघर्ष का रास्ता भी अपनाने की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने जो काम नहीं किए उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि दोनों तरीके से, एक जो केंद्र सरकार या नगर निगम के मुद्दे हैं वहाँ पर जाकर लोगों से बात की जाए, समझाने की कोशिश की जाए, दिल्ली सरकार को भी समझाने की कोशिश की जाए, और अगर नहीं समझ में आता है तो मजदूर हमेशा संघर्ष के लिए भी जाने जाते हैं। अगर केंद्र से कोई बात नहीं होती है तो क्या कपिल मिश्रा उसके लिए भी संघर्ष करेंगे साथ? मेरे को ये लगता है कि निश्चित तौर पर बात हो जाएगी और मेरे को ये पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पर बात हो जाएगी। बात नहीं हो पाती है तो हम दोनों आपस में दोबारा आप मेरे से सवाल पूछना कि हुई या क्यों नहीं हुई, मैं पूरे 100% श्योर हूँ कि हो जाएगी।